सो so गाइस सही जगह पे ही मैंने उस ट्रेट को एग्जिट किया था आ, आपको मैं दिखाया था यहाँ पर अपने ये ऑर्डर्स लग चुके हैं नीचे के जो और लिमिट ऑर्डर मेरे ऑर्डर छोड़े होते वो लग चुके हैं लॉस को हमेशा अपने लिमिट में रखो कंट्रोल में रखो आपसे गलतियाँ होती रहेंगी आप गलत ट्रेड भी लोगे लेकिन आप उस गलत ट्रेड को सही करने जाओगे तो आप लॉसेस में डेफिनेटली जा सकते हो फैंसी में जैसे काम करता हूँ मैंने वैसे ही काम किया तो उसके बावजूद अपना जो मंथ है सात लाख के आसपास के प्रॉफिट में है ठीक है अभी एक दो दिन और बचे हैं दो दिन और बचे हैं तो जय हिंद दोस्तों कैसे हो आप लोग लो आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे दोस्तों लाइव स्कैल्पिंग सीरीज़ का एक और वीडियो आप लोग के लिए आ चुका है दोस्तों आज मैं जहाँ ट्रेड कर रहा हूँ ये मेरा नेचुरल सेटअप है और इस इस सेटअप की आप मतलब क्या ही बात करें क्योंकि यहाँ पर जो जगह है जहाँ पर मैं हूँ ये मेरा विलेज है गाँव है और मैं यहाँ पर अक्सर आता हूँ तो अभी दिवाली चल रहा है दिवाली का सीज़न चल रहा है मतलब फेस्टिव सीज़न चल रहा है ठीक है तो अपने गाँव आए हूँ और गाँव में आए हैं तो आपको पता है कि हाँ काम तो करना ही पड़ता है एज ए ट्रेडर आप कहीं से भी काम कर सकते हो चाहे आप गांव में हो चाहे आप आ, शहर में हो चाहे आप पहाड़ों में हो कहीं भी हो मतलब बस आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए नेटवर्क आपके पास नेटवर्क है आपका जो स्क्रीन है चार्ज है मतलब जिस पर आप ट्रेड करते हो चाहे फ़ोन है चाहे लैपटॉप हो चार्ज है नेटवर्क है तो आप कहीं से भी काम कर सकते हो सो so, आज इस नेचुरल सेटअप के बीच में मैं ट्रेड करने वाला हूँ देखेंगे कैसा ट्रेड रहेगा क्योंकि कल मार्केट काफ़ी अच्छा रैली किया था जो कि अपना फिन निफ्टी बैंक निफ्टी या काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया था तो मैंने मॉर्निंग में एक ट्रेड बनाया उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया कल मैंने लाख रुपये के आसपास का, आस का प्रॉफिट था तो आज ये तो कोशिश करूँगा कि आज भी कुछ ट्रेड को पकड़ा जाए कुछ अच्छा ट्रेड पकड़ लिया जाए ठीक है ओके तो चलो सीधा चलते स्क्रीन पर ओके गाइज यहाँ पर मैंने पहला ट्रेड अपना बना लिया है मैंने देखो नाइन ट्वेंटी के सेटअप है नहीं ईवे से जब प्राइस नीचे आया था मैंने यहाँ पर कंटिन्यूस ऑर्डर्स लगाए लेकिन ऑर्डर्स मिस आउट हुए तो मेरा पहला ट्रेड लग चुका है पुल बैक पर उठाया था ठीक है एक में सेवेंटी फाइव चल रहा है एक में फोर्टी थ्री चल रहा है तो मैं इसमें लॉस में मैं तो नहीं आने दूंगा इस ट्रेड को कोशिश करूंगा इसको प्रॉफिट में ही रखूं क्योंकि ये अभी मेरा फर्स्ट ट्रेड है बट ये मेरे मेरे को एक ऐसा लग रहा है कि मैंने दो दु, दोनों स्ट्राइक प्राइसेस में यहाँ पे एंट्री बना ली है तो लेट सी एट्टी थाउजेंड फोर्टी फोर थाउजेंड चल रहा है मेरे यहाँ पर कुछ प्रॉफिट चल रहा है सेवनटी फाइव सेवेंटी सिक्स तो मतलब कोशिश करेंगे कि इसमें से मैं लॉस में आ जाऊँ क्योंकि मैंने दोनों स्ट्राइक प्राइस के ऑर्डर्स लग चुके हैं तो मेरा मतलब एक तरीके से एवरेज क्वांटिटी से थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी लग गई और दो ट्रेड को मॉनिटर कर पाना थोड़ा सा अपने आप में टाइम हुआ क्योंकि एक एट द मनी है आप कह सकते हो एक स्ल ओ टी एम है मतलब ओ टी एम के ही प्राइसेज यहाँ है पर हैं ठीक है तो बैकग्राउंड जो भी अगर आपको मेरा कुछ नॉइस आ रहा होगा जो कि चिड़ियाओं के चहचहाने की कीड़ों की आवाज़ है उसको इग्नोर करें क्योंकि ये बेसिकली लोकेशन ही आज नेचुरल सेटअप पर ट्रेड कर हूँ तो नीचे आ रहा है ट्रेड ये ठीक है एंड यहाँ पर इसने सपोर्ट टाइप का बना लिया है तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि मैं इसको थोड़ा सा प्रॉफिट के आसपास से एग्ज़िट करूँ ठीक है और ये फोन से ट्रेड को एग्ज़ट किया जाएगा सो यहाँ पर सही है कुछ है मतलब होल्ड कर रहा है ज़्यादा तेईस नहीं आया सो लेट्स एग्ज़ट द स्ट्रेड फिस्टीज़ में चल रहा है थर्टीज़ में चल रहा है नीचे आता है हल्का सा भी नहीं इससे मैं स्ट्रेट इस को कट कर दूँगा नीचे आता है तो उसको मैं इस एक ये स्क्रीन से तो एक बार मैं मैं कट नहीं कर पाऊँगा पूरी पोजीशन को तो मुझे एक साथ कन, कट करना है तो मेरे को लगता है फ़ोन से ही कट करना पड़ेगा अभी अस्सी नब्बे हज़ार के आसपास का कुछ प्रॉफिट चल रहा है दोनों को मिलाकर लाख के प्लस का है लेकिन ठीक है अगर तो नीचे आता है तो ये क्योंकि दोनों स्टाइक प्राइसिस मैंने एक साथ ट्रेड लिया तो एकदम से लॉस में जाएगा तो एकदम से स्ट्रेट को मेरे को ओके सो ये ट्रेड मैंने यहाँ पर कट कर दिया है एंड इसको पूरा पूरी पूरी क्वांटिटी एक साथ एग्जिट कर दिया मेरा पहले से अगर मेरे को मिल जाता तो काफ़ी अच्छा ये ट्रेड मेरा बनता अगर मेरे जहाँ जहाँ पे ऑर्डर्स लगाए पीछे देखोगे सब जगह पे मेरे ऑर्डर्स लगे हुए हैं यहाँ पर अगर मेरे को ट्रेड मिल जाता तो मतलब काफ़ी अच्छा था बट अभी आप देखोगे थर्टी वन थाउजेंड के मैंने यहाँ पर प्रॉफिट में क्लोज़ किया है एक बार लोट करके आपको दिखा देता हूँ थर्टी वन थाउजेंड के यहाँ पर कुछ प्रॉफिट में अपन ने क्लोज़ uh, किया हुआ है इसको अच्छा ट्रेड नहीं था मतलब दो स्ट्राइक पैसे एक साथ कर लिया तो पहला ही ट्रेड मेरा ख़राब हो चुका है मतलब तो शुरुआत उतनी अच्छी नहीं है जो एक्सपेक्टेशन थी डेढ़ लाख प्लस का इसने मेरे को प्रॉफिट दिखाया था ठीक है सो अभी नीचे है कुछ ऑर्डर्स लेट्स सी देखते हैं अगर मेरा कुछ ट्रेड बनेगा तो यहाँ पर दोबारा से एंड अभी आप देखोगे तो प्रीमियम काफ़ी आगे न उस साइड में चला गया मैं एग्जिट ले लिया इसमें से बट प्रीमियम ऊपर चला होल्ड करा तो उतना मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि एक गलत जगह जहाँ पर मैं ट्रेड उठा रहा देखो पुल बैक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के आसपास ट्रेड उठाना चाहिए बट यहाँ पर ऑलरेडी ये ट्रेड जो पोजीशंस है उतनी खास मेरे को लगी नहीं इसलिए मैंने स्ट्रेट इस को एग्ज़िट कर दिया सो लेट्स प्लान फॉर अनदर ट्रेड अगर मेरा बनता है अनदर ट्रेड तो ठीक है तो दूसरे ट्रेड का वेट करते हैं सो कहीं सही जगह पर ही मैंने उस स्ट्रेट को एग्ज़िट किया था आपको मैं दिखाया था यहाँ पर अपने ये ऑर्डर्स लग चुके हैं नीचे के जो और लिमिट ऑर्डर्स मेरे ऑर्डर छोड़े हुए थे वो लग चुके हैं वापस से सेम स्ट्राइक पैसा अगेन मेरे दोनों के दोनों ट्रेड लगे मैं इसको कैंसिल करने का प्लानिंग था लेकिन भूल गया अभी देखोगे सत्तर बहत्तर हज़ार चल रहा है बट uh, मेरे को थोड़ा सा इस ट्रेड को भी मॉनिटर करना पड़ेगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम टेस्ट करने जा रहा है वैसे नाइन नहीं को ठीक है बट ये प्रीमियम थोड़ा सा ना प्रीमियम जब प्रीमियम चल नहीं रहे होते ना तो आप फंस सकते हो मार्केट में इसीलिए इस ट्रेट को भी मैं देखूँगा मतलब ये है कि कोशिश ये रहेगी कि हाँ लॉस में इस ट्रेट को टर्न आउट नहीं किया जाए वापस से सेम स्ट्राइक प्राइस में मेरी रे री एंट्री हो चुकी है नीचे के जो ऑर्डर्स से लग चुके दस से आठ हज़ार इसमें चल रहा है बयालीस सैतालीस हज़ार नीचे बावन हज़ार की पुट ऑप्शन में अपना प्रॉफिट चल रहा है सो लेट्स सी लेट्स वेट एंड वॉच इसमें क्या होता है ठीक है तो सेवेंटी फोर सेवेंटी सिक्स बैंक निफ्टी का अपना अगेन मेरे से वही सेम स्ट्राइक प्राइस मैंने मतलब दोनों के दोनों स्ट्राइक प्राइस अगेन मेरे ट्रेड लग गए तो सही है इसको अपन यहीं पे एग्जिट कर दे दें पूरी क्वान्टिटीज़ को ठीक है एंड इसको मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा ओके तो so अभी इसमें मैंने मतलब नेट टोटल अरे ये क्या है नाइन्टी टू नाइन्टी सिक्स है तो एग्जिट हो चुकी है पोजिशन तो एक बार मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ यहाँ तो हो गया देखो तो मैं एक बार इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ थोड़ा सा रिफ्रेश रिफ्रेश रीलोड दिस और रीलोड करके हाँ ये है सिक्सटी सेवन सिक्सटी सेवन के कुछ प्रॉफिट हूँ अपना यहाँ पे क्लोज़ हुआ है फर्स्ट अपना ये मतलब अनदर ट्रेड बस दोनों के दोनों ट्रेड में मुझे लगता है मैंने गलत ले लिया है यहाँ पर सेकेंड ट्रेड मैंने दोनों स्ट्राइक प्राइस में एक ही एक साथ ही मेरे जो ऑर्डर्स थे लग गए और इसको मैंने कुछ प्रॉफिट में अगेन मैंने इसको क्लोज़ किया सो so, अभी आपको दिखाता हूँ देखो 920 का क्या पावरफुल सेटअप बना हुआ है यहाँ पर आप देखना ये नाइन ई एम ए के यहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया है देखो एंड इसके बाद सीधा नीचे को आया प्रीमियम देखना प्रीमियम में भी इसने एक सपोर्ट बनाया है प्रीमियम कहाँ चल रहा है आप देख सकते हो प्रीमियम आपका Uh, काफ़ी अच्छा तीन सौ तीन सौ दो के भाव हाँ पर चला गया एक सौ साठ से काफ़ी अच्छा जंप आपको प्रीमियम में यहाँ पर देखने को मिला है और ये देखो एट्टी एट्टी नाइन्टी परसेंट का जंप यहाँ पर सीधा प्रीमियम के अंदर आया भाई बहुत पावरफुल सेटअप है ठीक है और यहाँ कॉल साइड का प्रीमियम तो टूट नहीं रहा ओके तो अगर मेरी पोजिशन की बात की जाए सिक्सटी से सेवन थाउजेंड अभी मैं चल रहा हूँ दोनों ट्रेड मुझे मज़ा नहीं आया आज के दोनों के दोनों ट्रेड में मतलब दोनों ट्रेड ही क्या कहेंगे वो क्योंकि रिटर्न वाइज तो कुछ खास रिटर्न बना ही नहीं है मतलब खाली स्कैल्प करके अपने आप को लॉस में नहीं डालना है कभी मैंने स्ट्रेट को कट कट किया था ठीक है तो अभी देखते हैं अभी आप देखो क्या अच्छा प्रीमियम और अभी प्रीमियम ज़्यादा है तीन सौ साढ़े तीन सौ के आसपास का प्रीमियम मूव कर चुका था जिसको नाइन ट्वेंटी स्ट्रेटी का के बारे में जानना है ठीक है वो अपनी वेबसाइट चेकआउट कर सकता है अब उसका एक बार आपको यहाँ पर लाइव में इसका पोटेंशियल देखने को मिल रहा होगा देखो फर्स्ट टाइम टेस्ट करने के लिए आया ठीक है इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ एक बार फर्स्ट टाइम टेस्ट करने आया फिर आप देखो प्रीमियम में क्या जबरदस्त मोमेंटम वन से लेकर थ्री तक का मोमेंटम इसने दिया है और जो स्केल्पिंग करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम नाइन ई को टेस्ट करने आता है तो आपको बहुत अच्छी पावरफुल मूव मिलते हैं इसमें ओके आपको क्या बोलते हैं अभी अपना वेबसाइट और फ्लैट सेवेंटी परसेंट का डिस्काउंट चला है एक बार आप फीडबैक ज़रूर जाके कर देखिएगा यहाँ पर आप आपको आ, दिवाली पर काफ़ी ज़बरदस्त डिस्काउंट देखने को मिल रहा है ठीक है तो स्केल्पिंग मास्टर क्लास सितंबर में कराया था एकदम से आपको उसमें फ़्लैट सेवेंटी परसेंट मैं यहाँ पर आप आपको ऑफ़र कर रहा हूँ इस दिवाली पर क्योंकि दिवाली में हर किसी को के डी एम डिस्काउंट वगैरह दीजिए तो यहाँ पर आपको नाइन ट्वेंटी बिग ये सब मिल जाएगा जाके चेकआउट कर सकते हैं लिंक मैंने बायो में दिया हुआ है ओके और अगर आप देखोगे तो आज का ट्रेड कुछ खास मेरे को अभी है नहीं क्रिप्टो मार्केट क्रिप्टो मार्केट अगर आप एक्सप्लोर अभी तक नहीं किए हो ना तो आप कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट को बहुत ज़्यादा मतलब लाइटली दे दो लेकिन अगर आपको मैं दिखाऊं मेरा एक परसों रात का ट्रेड था इसमें मेरा टारगेट हिट हुआ और काफ़ी अच्छे मेरे यहाँ पर जितने पोजिशन हैं काफ़ी ट्रेड मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिटर्न्स भी मिलते हैं आप देखोगे कि दो दो चार दिन के अंदर में ये जो क्रिप्टो है आठ दस परसेंट का मोमेंटम दे चुका है बिटकॉइन का तो ये अनएक्सप्लोर्ड मार्केट है इसको आके आप एक बार जरूर चेकआउट करो डेली टाइम फ्रेम में देखो तो हो सकता है एट्टी थाउजेंड का लेवल टेस्ट करने को मिल जाए मतलब दिखा सकता है अपने क्योंकि इसने एक फ्रेश लेवल का ब्रेकआउट दिया जिसको काफ़ी टाइम से रजिस्टर करा था तो एट्टी का लेवल हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए क्योंकि मेरा ये पर्सनल प्रोजेक्शन है वहाँ के आप देख सकते हो ठीक है तो काफ़ी अच्छा फेस ब्रेकआउट मिला तो ऐसे मूव को कैप्चर करना है तो आप कर सकते हो ट्रेड करना तो डेल्टा एक्सचेंज का मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है सो so, आज का सिक्सटी का जो अपना प्रॉफिट है इसी पर आप भी करते हैं अगर मुझे पता है एक और ट्रेड में लूँगा दो ट्रेड खराब गए तो तीसरा ट्रेड खराब भी जा सकता है क्योंकि अब मोमेंटम खत्म हो चुका है ठीक है तो अपने आप को कंट्रोल करना जरूरी है आप मेरे यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह देखोगे तो कंसिस्टेंट रहता ही है बट यहाँ की बेस दो लाख का मैंने यहाँ पर लॉस भी लिया था लेकिन उसके अंगेंस्ट में दो लाख का प्रॉफिट भी था ठीक है तो लॉस को हमेशा अपने लिमिट में रखो कंट्रोल में रखो आपसे गलतियाँ होती रहेंगी आप गलत ट्रेड भी लोगे लेकिन आप उस गलत ट्रेड को सही करने जाओगे तो आप लॉसिस में डेफिनेटली जा सकते हो ठीक है तो अपने लॉसेज़ को चेज़ करने की कोशिश मत करो तो आप जो सेटअप फॉलो करते हो उसी में ही रहो तभी आपकी ऐसी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी ओके तो यही है अभी अगर आप देखोगे मैं ज़्यादा उतर ज़्यादा खास ट्रेड करता भी नहीं हूँ बहुत कम ट्रेड करता हूँ और ये जिस आपको एजुकेट करने के लिए समझाने के लिए बताने के लिए मैं यहाँ पर डेली बेसिस पर ट्रेड करता हूँ अदरवाइज़ मेरा इतना फ्रिक्वेंटली ट्रेड नहीं होता मैं अभी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी जितने कम ट्रेड लूँ जितने क्वालिटी ट्रेड लो उतना अच्छा रहेगा क्योंकि उससे उससे अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है ज़्यादा ट्रेड लेने से ज़्यादा ट्रेड करने से वैसे ही इंसान को फिर लॉसेस फेस करने पड़ते हैं ओके okay, तो यही था अभी अपना पोजिशन है अराउंड सिक्सटी सेवन तो लेट्स सी अगर कोई दूसरा ट्रेड बनेगा तो वैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हाँ मेरे को आज अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है कि हाँ ट्रेड मेरे गलत बने गलत पहला दूसरा ट्रेड ही मैंने गलत किया है मतलब वो सेटअप राइट सेटअप पर नहीं किया ठीक है जहाँ पर ट्रेड चाहिए थे वहाँ पर मिले नहीं और जहाँ पर मिले वहाँ पर से थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया अपने ट्रेड में कि यार इसको अब बुक करूँ नहीं कर सो गाइज़ अपना जो ट्रेड है वो खत्म हो चुका है लेकिन मैंने आपको जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं एक और ट्रेड लेने जाऊँगा तो कहीं ना कहीं मेरे से गलती होगी और मैं उसमें हो सकता है लॉसेस को बुक कर जाऊँगा और वही चीज़ होगा मैंने आ, एक ट्रेड अपना फिर से इनिशिएट किया था जिसमें मैंने एटी मतलब मेरा जो नेट पेनल एटीन थाउजेंड के माइनस में किया अगर मैं आपको ओवरऑल अपना पेन एल दिखाऊँ तो लॉसेस होते हैं बड़े आप चेक करोगे तो इसमें मेरा इस मंथ में सात लाख के आसपास का दिखा दे क्योंकि इसमें दिखा देता है फ़ोन में इसमें एक मेजर लॉस हुआ था अगर आप इसको देखोगे तो इसमें पाँच लाख सत्तावन हज़ार का मेजर लॉस था जिसमें मैंने अपने ओवरऑल इस पूरे अकाउंट का कैपिटल यूज़ किया था इसमें मेरे को लॉस फेस करना पड़ा बट उसके बाद भी देखो एक और दिन मेरे को यहाँ पर लॉस यहाँ पे हुआ था ठीक है बट स्टिल मैं जो अपनी कंसिस्टेंसी में जैसे काम करता हूँ मैंने वैसे ही काम किया तो उसके बावजूद तो तो अपना जो मंथ है सात लाख के आसपास के प्रॉफिट में है ठीक है अभी एक दो दिन और बचे हैं दो दिन और बचे हैं तो हो सकता है आठ लाख क्रॉस कर जाए तो ऐसा नहीं है कि आपको लॉसेज बड़े नहीं होते ठीक है बस ये है कि जब आपका लॉस हो रहा है तो आप उस लॉस को किस तरीके से कंट्रोल करो जैसे आज का मेरा लॉस है एट्टीन थाउजेंड मैंने माइनस एटीन थाउजेंड में भी क्लोज कर दिया तो हो सकता है मैं भी रिस्क ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट है तो मैं भी जाके और रिस्क ले सकता हूँ एक और ट्रेड बनेगा बट ट्रेड नहीं चले आज पहले सी अगर आपका पहला स्टेप अगर ट्रेडिंग में गलत हो जाता है ना पहला ही स्टेप आपका पहले ही ट्रेड में गलत हो जाता है दूसरे ट्रेड में गलत हो जाता है बीज जो आप लेने की कोशिश करते हो तो अगर आप नहीं चल जाते तो आपको उस दिन जबरदस्ती का मार्केट से फाइट करने का जरूरत नहीं है ठीक है बाकी मेरा कॉन्सेप्ट ये था आपको समझाना कि अगर आपके पास ट्रेडिंग की स्किल है ट्रेड करना आपको आता है ट्रेडिंग आपने सीखी हुई है तो आप किसी भी जगह से काम कर सकते हो आपको एक ऐसा हाई एंड सेटअप नहीं चाहिए कि चार चार पाँच पाँच स्क्रीन आपके पास हो ठीक है आ, आपके पास एक अच्छा खासा रूम हो जहाँ पर वैसे ऐसा भी नहीं है आप ट्रैवल करते हुए अपना मतलब एक तरीके से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जिसको कहते हैं ना कि है, मैं फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ वो आपको ट्रेडिंग देता है बट ये है कि ट्रेडिंग के आपको सेटबैक्स भी समझने पड़ेंगे कि ट्रेडिंग में आप हर वक्त प्रॉफिट ही नहीं करोगे आपको बड़े प्रॉफिट्स बड़े लॉसेज भी लगेंगे बड़े प्रॉफिट्स भी होंगे जैसे मैंने आपको दिखाया बड़ा लॉस भी लगा था इस मंथ के अंदर में ठीक है एंड उसको कंट्रोल करने के लिए मैं उसको बड़ा कैपिटल डाल के और उसको मैंने करने की कोशिश नहीं की कि यार मैं उसको एक ही दिन में कवर कर करूँ दूसरे दिन में कवर कर दूँ बट इस अकाउंट में जो कैपिटल रहता है दस पंद्रह बीस लाख इसके अकॉर्डिंग वो एक आप कह सकते हैं एक बड़ा ही लॉस है आपके अकाउंट का ट्वेंटी फाइव परसेंट ड्रॉडाउन ठीक है तो उसको कवर अप करने के लिए मैंने अपनी सेम कंसिस्टेंसी सेम स्ट्रेटजी सेम सेटअप जो मैं डेली डेली फॉलो करता हूँ स्कैल्पिंग कर करके उसी से मैंने उसको कवर अप किया है ठीक है तो अगर आपको स्कैल्पिंग सही से आती है स्कैल्पिंग आपने सीखा है या ट्रेडिंग आती है ट्रेडिंग सीखा है तो आप ट्रेडिंग से अच्छा खासा मार्केट से पैसा बना सकते हो ठीक है और जहाँ आपका मन करे आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हो ओके बाकी अपना इस दिवाली पे काफ़ी ज़बरदस्त डिस्काउंट भी चल रहा है सेवेंटी परसेंट का अपनी सेल चल रही है वेबसाइट पर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या आप सीधा मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो आपको एप आप स्टोर प्ले स्टोर पर मिल जाएगा स्टॉक बनना ऐप वहाँ पर जाके आप ले सकते हो एक बार फीडबैक जरूर जाके देखिएगा क्योंकि मैंने एक पहला ही बैच करवाया था तो स्कैल्पिंग मास्टर था उसके फीडबैक्स काफ़ी अमेजिंग आए थे ठीक है तो वेबसाइट पर देखिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जाके सेवेंटी परसेंट डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं बाकी यही था आज का ट्रेड और ऐसा नहीं कि हम क्या बोलते हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होते हैं लॉसेस भी होते हैं इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ आपको दिखाते रहता तो हूँ कि हाँ ये लॉस हुआ इतने लॉसेस होते हैं ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं ताकि आपके सामने रियलिटी रहे कि हाँ एग्जैक्टली लॉसेज भी होते हैं प्रॉफिट भी होते हैं लेकिन मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने ट्रेडिंग में ट्रेड को डिसिप्लिन में रखना अपने आप को डिसिप्लिन में रखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको आता है उसको आपने मास्टर कर लिया तो ट्रेडिंग ईजी है करना कहीं से भी कर सकते हो ठीक है दैट्स ऑल फॉर टू वीडियो आई होप यू इंजॉयट बाकी आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल टिल्लन बाबा सी यू जय हिंद